नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये फ़ोन MI का MI 6A, ठीक है। इसमें शॉर्टिंग है और जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ MI के फ़ोन के लिए नहीं, कोई भी फ़ोन हो जिसमें शॉर्टिंग हो, जैसे कि बोर्ड डेड हो गया हो, शॉर्टिंग हो, और इसे रिमूव कैसे की जाए। तो मैंने एक फ़ोन पर ट्राई किया था तो सक्सेसफुल हुआ था। अब इसमें सक्सेसफुल होता है ये मेथड या नहीं होता है तो देखते हैं। और ये मैंने इसमें से क्या क्या कर रखा है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे शील्ड लगी हुई थी तो ये शील्ड तो मैंने निकाल रखी है, ये रही, ठीक है। तो आराम से हीट करके निकालनी है जिससे कि कोई कंपोनेंट वगैरह ख़राब ना हो जाए, जो है IC वगैरह हीट हो के जो है उखड़ ना जाए, जिससे कि फ़ोन बिल्कुल ही डेड ना हो जाए। फिलहाल तो ये वैसे भी डेड है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शॉर्टिंग में है, ठीक है, शॉर्टिंग कंडीशन में है। इसमें और क्या क्या दिक्कत आ रही है सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए, ये भी देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा प्लस वाला है, ये भी शॉर्ट है, और ये वाला हमारा माइनस वाला है, ये भी शॉर्ट है, ये देखिए, ठीक है। ये तो मैंने इसमें जो है ये शील्ड इसलिए हटाई थी। पहले हम चेक करते हैं कनेक्टर के आसपास में कैपेसिटर जो हो उसे निकाल के, कहीं वो ख़राब ना हो। ख़राब होने के कारण, शॉर्ट होने के कारण ये हमारा फ़ोन फुल शॉर्ट दिखाता है। और ये हमारा जो है कैपेसिटर था, ये रहा, ये आपको दिखाता हूँ, जो कि शॉर्ट था, शायद ये अभी ठीक से सेट नहीं होगा क्योंकि मैंने ये रहा देखा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने निकाल के देखा था तो फिर भी शॉर्टिंग नहीं गई। तो अब ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा ये कैसे जाएगी। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें लाइट भी आ रही है शॉर्टिंग होने के कारण भी। देखो लाइट आ रही है, ये देखो यहाँ पे डॉट वाली लाइट आ रही है, ठीक है, शॉर्टिंग होने के कारण भी लाइट आ रही है। और देखो अभी कुछ भी नहीं हो रहा ना, अब ये देखो वाइब्रेट होएगा हमारा, ये देखिए ना, ये अभी देखो मैं बैटरी कनेक्टर लगाऊंगा और ये देखिए, देखिए देखो वाइब्रेटर घूम रहा है। तो ऐसी कंडीशन है इसके अंदर। और ये देखिए चार्ज में लगाने पर बाबा ऐसे घूम रहा है, और ये देख सकते हो लाइट भी देखिए कैसी हो रही है, ब्लिंक हो रही है, देखो हल्की हल्की, ये देखिए आवाज़ भी कर रहा है। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये कैमरा वगैरह निकाल लिया मैंने क्योंकि ये शील्ड निकालते टाइम, जो कि कैमरा वगैरह भी हीट ना लगे। अब इसे जो है बोर्ड को अब निकाल लेते हैं, और इसकी शॉर्टिंग कैसे अब हम रिमूव करके चेक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारे पास बैटरी, ठीक है, आप कोई भी बैटरी ले सकते हो शॉर्टिंग जो है शॉर्ट किलर बनाने के लिए, ठीक है। ये देखिए इसका प्लस माइनस है, तो इस बैटरी से ही निकाला था मैंने। तो ये बैटरी को आपको करना कैसे है, आप जियो फोन की बैटरी ले लेना जो ओरिजिनल हो, या फिर कोई अच्छी खासी लेना जो थोड़ी स्ट्रांग हो। ये बैटरी मेरे को मिली कहाँ से ये भी मैं बताता हूँ। ये पावर बैंक होते हैं कॉपी वाले, चिकनी मिट्टी वगैरह होती है, इसमें ये बैटरी लगी हुई थी तो मैंने इसमें निकाला। ऊपर की जो है प्लेट निकाल देना, अंदर में टाके मार लेना, ठीक है, समझ रहे हो। तो एक सैंपल और दिखाता हूँ मैं इसके साथ साथ आपको कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। जैसे कि ये हीट होता है ना, हीट होने पर ये देखो, अब ये हमारा है सोल्डिंग वायर, ठीक है, ये सोल्डिंग वायर। अब मैं इसको लगा के देखता हूँ एक बार कि सोल्डिंग वायर पिघलती है नहीं पिघलती है, क्योंकि अगर ये शॉर्टिंग होगा ना, जहाँ पे शॉर्टिंग होगी वहाँ पे जो है हीट होके वो कंपोनेंट जल जाएगा, समझ रहे हो। ये देखिए अभी दिखाता हूँ थोड़ा सा वहाँ से, सेट होकर लग नहीं रहा है, देखिए चिंगारी निकली थी, ये देखिए चिपक जा रहा है, ठीक है, देखिए ये देखिए पिघल गया, देखो चिपक गया इसके अंदर, देखो, ठीक है। तो यही है, देखिए देखिए अब हटाता हूँ इसे मैं, निकल गया।
तो ऐसे ही इसकी सॉर्टिंग रिमूव होगी। तो हमें क्या करना, प्लस वाले में प्लस लगाना, माइनस में आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आइए करते हैं इसका शॉर्टिंग रिमूव। एक बार आपको और दिखा देते हैं कि इसमें शॉर्टिंग है भी या नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये दोनों बीप कर रहे हैं। चलिए, थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको। वो शॉर्टिंग यहाँ पे अंदर, इसकी शॉर्टिंग थी यहाँ पे अंदर है, इसकी शॉर्टिंग इस सेक्शन में यहाँ से निकला था धुआँ। हाँ, इस सेक्शन में है अंदर, ठीक है, यहाँ से धुआँ निकला था, शायद दिखा नहीं दिखा, पता नहीं। अब मैं इसकी शॉर्टिंग एक बार चेक करता हूँ। अब ये है, पर इसमें ये पता चला कि इसके अंदर है, यहाँ से जो है लाइट आई थी। तो इसे एक बार क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं। ये देखिए, कैपेसिटर एक जल चुका है, शायद आपको दिख जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा एक मेरा कैमरा फोन का जो खास नहीं है, तो मैं आपको कैसे दिखाऊं। यहाँ पे जो है जल चुका है कैपेसिटर, ये रखवाने वाला देखो निकल भी गया आराम से। ये देखिए, ये कैपेसिटर निकल गया, ये देखे जो चला था वो वाला ही कैपेसिटर है, ठीक है, देखो, ठीक है। अब देखते हैं इसे निकलने के बाद शॉर्टिंग गई या नहीं, ठीक है। शायद देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, शॉर्टिंग हमारी जा चुकी है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ बिल्कुल वैल्यू नहीं, और यहाँ देखिए लाल को हम ग्राउंड पर रखते हैं और ये वैल्यू आ रही है, आपको अच्छे दिखाता हूँ। तो मतलब कि हमारी फ़ोन की शॉर्टिंग गई। ये मैंने ट्रिक अपनाई थी, ये वाटर डैमेज फ़ोन था, KKBK टेक्नो, ठीक है, स्पार्क गो मॉडल में, तो सक्सेस हुआ था। और सेम यहाँ पे भी मेरे ख्याल से सक्सेस हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ डाउट हो उन कैपेसिटर को निकाल के चेक करना, शॉर्टिंग जाती है तो ठीक है, नहीं जाती है तो उनको दोबारा से वहीं पे लगा देना है, ठीक है, अगर शॉर्टिंग नहीं जाती है तो। उसके बाद ये मेथड ट्राई करना। ये देखिए हमारी शॉर्ट किलर, इसने हमें ईजिली बता दिया कि कौन सा हमारा कॉम्पोनेंट हुआ है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ये देखिए, ये हमारी शॉर्टिंग निकल चुकी है। अब हम इसे चला के देखते हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर था जो शॉर्ट था, इसे आपको चेक भी कराऊं, अगर एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको कि शॉर्ट है नहीं शॉर्ट है। फिलहाल तो शॉर्ट ही होगा, तभी तो। ये देखिए, हाँ शॉर्ट है। ओके, अब इसे हम चालू करके देखते हैं दोस्तों कि हमारा फ़ोन चालू होता है कि नहीं होता है। ये भी लगाया, ये भी लगाया, और बैटरी कनेक्टर भी लगाया, और ऑन पत्ता भी लगाया। अब हम ऑन करके देखते हैं।
ये वाओ मज़ा आ गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो आपके काम आई तो बताना, ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ दोस्तों। अगर आपको टेक्नीशियन की नॉलेज हो ना हो, सभी के लिए बनाता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, तो दोस्तों समझ रहे हो। तो शॉर्टिंग ईजिली रिमूव हो गई है, ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ एक ये बनाने से।